प्लीज प्लीज आते नहीं देना। अच्छा भाई शांति प्लीज, शांति का दान दो। गुरु जी की चरणों में लख लख मत्थे टेका। गुरु जी प्लीज मिलियन जिलियन ट्रिलियन से मल्टीप्लाई कर लेना। और गुरु जी की प्यारी संगत को सादर नमन। और सबको गुरु जी को सबसे पहले हैप्पी वैलेंटाइंस डे। और गुरु जी की संगत को हैप्पी वैलेंटाइंस डे। और मेरे थोड़े सत्संग फिल्मी टाइप होते हैं, बॉलीवुड टाइप, तो अगर आप बॉलीवुड मूवी देखते हैं तो एंजॉय करेंगे। और सत्संग सुनाने से पहले एक छोटा सा रीसेंट एनेक्डोट सुनाऊंगी, इस बात को दिखाने के लिए कि गुरु जी की संगत होने की क्या अहमियत है। अभी परसों अर्थक्वेक आया था, है ना, तो मुझे तो फील नहीं हुआ, बट हमने शोर मचा दिया कि अर्थक्वेक आया तो भागो नीचे भागो। तो सबसे पहले मैं अपना फोन चार्जिंग पे ही लगा रही थी, तो मैंने फटाफट फोन नेचुरली फिर हाथ में पकड़ लिया। और उसको मत मारी जाती है ना, जब कहते हैं तो समझ नहीं आ रहा कि चुकना चाहिए, है ना। पर्स के नाल मेरा पाउच पिया सी, मैं क्या चलो पता नहीं थी कुछ है कि नहीं, मैं पाउच चुके नहीं, तो सब भागने शुरू हो गए। अच्छा मैं सबसे पीछे रह गई, हाँ, तो मैं लास्ट सीढ़ियां उतरने में, है ना, सब लोग आगे निकल गए, तो सब लोग नेबरहुड इकट्ठा हो गया। तो पाउच मैंने खोला और उसमें गुरु जी का स्वरूप था, तो गुरु जी ने इसलिए पाउच उठवाया। तो बस वो स्वरूप निकाल के उसको पकड़ के मैंने मंत्र जाप शुरू कर दिया। तो बाद में जब सब कुछ थोड़ा शांत हो गया तो मैंने सबको बोला, मैंने कहा आप लोग सब आगे भाग गए, किसी ने वेट भी नहीं की कि मैं तो पीछे ही रह गई। मैं उस मिनट मुझे इस चीज का एहसास हुआ कि गुरुजी इतने सत्संग में बताते हैं कि संकट के समय कोई नहीं होगा, मैं ही थोड़े नाल होगा। तो उस चीज को वैलिडेट किया उन्होंने। तो मैंने बस सबको बोला कि आप लोग वेट तो कर लेते कम से कम कि मैं पीछे रह गई थी। तो मजाक में उन्होंने मुझे बोला, तेरे नाल ते गुरु जी सी, थानू की लोड़ सी, तो बचा ही लेना सी। तो शुक्राना गुरु जी का। और मेरा सत्संग मैं जो गुरु जी हुक्म करेंगे कौन सा वाला सुनाना है, तो मैं पहले वाला सत्संग सुनाती हूँ कि कैसे मैं गुरु जी से कनेक्ट हुई। मेरी सिस्टर, मेरी बुआ की बेटी, वो जलंधर के दिनों से गुरु जी से जुड़ी हुई थी, जलंधर दरबार में। और मैं ना डिस्टिंक्शन नहीं करके बोलती कि पुरानी और नई संगत, क्योंकि वो फिर थोड़ी हैव्स एंड हैव नॉट्स वाली फीलिंग हो जाती है मुझे। तो आई जस्ट से कि जो जिन्होंने चोले में देखा गुरु जी को, जिन्होंने चोले में नहीं देखा, तो वो जलंधर दरबार से जुड़ी हुई थी। तो बातें सुनाते थे गुरु जी की, बस जिम्मे उन्होंने ना पहना बढ़िया पहना कुछ कहने कल को सुनी मुझे तो कार करती सही, वो बुलावा नहीं था उस वक्त। तो बहुत सालों के बाद हम गुड़गांव में रिकनेक्ट हुए रहने सारे। और तो हम लोग नाइट स्टे के लिए सारे मेरी एक सिस्टर के घर सब रुके। तो अगले दिन हम सब ने अपना अपना वापस चले जाना था। तो मेरी ये जलंधर वाली जो सिस्टर है उनको लेने उनकी फ्रेंड आए और उन्होंने बोला हम आपको हुडा मेट्रो स्टेशन पे बता देते हैं ना। तो हुडा स्टेशन पे मैं छटन जा रहे थे, उनकी फ्रेंड आई थी गड्डी लाके, छटन जा रही थी, कहते और तुझे जल्दी तो नहीं है, मैंने तो नहीं, कहते अच्छा हमने तो थोड़ा सामान लेना रास्ते में। तो ए लोग ने खतर दी, हमारी फ्लावर मार्केट में चले गए, तो जो फूल फूल बहुत सारे फूल ले, मैं क्या पता नहीं इतने फूल क्यों नहीं जा रहे। एनीवे फिर उसके बाद छोड़ने के लिए फिर चले, फिर मैं कहते जल्दी तो नहीं है, मैंने कहा नहीं तो घर ही तो जा रहे हैं ना। तो कहते हम जब इधर आते हैं ना तो हम जरूर मत्था टेक के जाते हैं, मैंने किसी मंदिर जाना होना है ना मत्था टेक। तो ये लोग गुरु जी के मंदिर चले। अच्छा क्लोज डे थी, ट्यूजडे थी या वेडनेसडे, तो मंदिर से बंद थी, गेट खोलते इन्होंने उधर मत्था लिया टेका, मैंने तो समझ ही नहीं आया कि किसने दिया है ना। तो मैं भी इसके हाथ जोड़ते दिमाग बिल्कुल ब्लैंक थी, कुछ नहीं मैंने पता, बस देखा कि मैं भी नहीं मत्था टेका, मैं भी बैठा उन्हें बाद। देन फ्यू डेज आफ्टर दैट खुल गई सारा है ना एपिसोड,
वन
ये सारी बातें डिप्लो के साथ करो। इफ यू आर ओके विद द प्राइस यू वांट टू टेक इट फॉरवर्ड, आप मेरे से तब बात करना, ठीक है? आई हैव अ ट्रेन टू कैच, मेरे को जल्दी मैं जा रही हूँ। तो ये कह के मैं उठ गई। तो वो पीछे पीछे मेरा डीलर आ गया, कहता कि मैं आपको छोड़ देता हूँ, लेट हो जाओगे, है ना? तो वो मेरे को छोड़ने के लिए निकला। तो मैंने कहा कुछ नहीं हैंडल करना, मैं तो इनके सारे मस्टर्ड ध्यान हैंडल नहीं कर सकती, है ना? सो एनीवे जी, हम निकले रेलवे स्टेशन के लिए। की देखते हैं पीछे पीछे वो सारे उठ के आ गए, उनकी चाहता तो पीछे पीछे आ गए थे, हाथ में चेकबुक है। तो मैडम जी अब आप चले जाओगे, फिर पता नहीं आप कब आओगे, ये वो करके चलो चेक इट था। तो मैंने फिल्म का सीन याद आ गया, दिल वाले भाग सिमरन भाग, मैं तो चेक लेता ते मैं चढ़ गई ट्रेन। मैंने क्या आंटी 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 आगे हो जाओ थोड़ा सा, कैंडल लेना। तो जी वो फिल्मी सीन, ते चेक मैं रेलवे स्टेशन नहीं पहुंच रही पीछे, उन्होंने मुझे चेक फड़ाया एंड आई केम बैक टू दिल्ली। मैंने आके वो चेक गुरुजी के चरणों में रख दिया। मैंने कहा वहां भी देखना, मैं तो पहले टूट चुकी है तो मैं हैंडल नहीं कर सकती। सो माय और दिस वॉज आई थिंक जनवरी और फेब्रवरी। सो अच्छा, हर बार फोन बजे ना तो इवें टेंशन जी हो जाती है ना, क्योंकि पहले भी इस तरह ही होया सी। तो फोन की घंटी बजे सो आई हैव कैट्स नो, सो आई वुड बिकम एज जंपी एज माय कैट्स, यू नो। तो मैं फिर फोन आया, मैंने डरते डरते उठाया, मैंने कहा हां जी। कहते इस तरह की गल है जी, मेरा तो चुप ही हो गई उस वक्त। मैंने कहा ये लो, ये भी बैक ऑफ करने वाले हैं। कहते एक्चुअली हम ये सोच रहे थे कि आप दो बहने हो तो आप कहाँ आओगे, यू नो ऑन द वे ऐसी आ जाने थोड़े को इटली। मैं तो यू नो आई साई ऑफ रिलीफ, मैंने क्या ये तो स्क्रिप्ट ही डिफरेंट चल रही है। तो ऐसे वो आए यहाँ पे दिल्ली और मेरी सिस्टर है गुड़गांव में, तो सारे पेपर्स बनवा के लेके आए। ऐसे कभी होता नहीं, प्रॉपर्टी इज इन चंडीगढ़ यू नो, तो वो सारे पेपर्स वहां से बनवा के दे केम हियर हमारे घर आके, दे साइन द डील, सिस्टर भी आ गई, यू नो एवरी थिंग यू नो वेंट ऑफ वेल। उन्हीं दिनों में आई मस्ट टेल कि सेवा खुली थी बड़े मंदिर में, ओपन सेवा। तो मेरी सिस्टर जलंधर वाली शी सेड कि तू सेवा कर ले जाके। तो मैंने कहा मैंने तो कभी करी नहीं, बचपन से गुरुद्वारे ऐसी जानते हैं बट सेवा करी नहीं सी की। तो शी सेड नहीं नहीं हम लोग भी जाएंगे तो तुसी भी चलो। सो एनीवे फर्स्ट डे जी सेवा के लिए पहुंचे तो बड़ा प्यार श्यार होके, पता नहीं केड़ी सेवा मिलन वाली है। तो वहां जब तक पहुंचे तो बंद हो गया था गेट, अंकल बैठे थे, कहते आंटी अंदर तो फुल हो गया। तो हमने कहा अंकल हम तो स्पेशली इतनी दूर से आए हैं तो बिना सेवा कैसे। तो वो कहते भारत की सेवा कुछ मिल जाएगी, अभी बहुत संगत आ रही है। तो ठीक है, तो फिर थोड़ी देर में हमें बोलते लाइन लगा लो सारे। हमने कहा हां जी क्या सेवा करनी है, चलो कुछ आडवाडो लाना होगा। कहते जो जोड़ा घर है उसके साइड पे पहले वो पक्की सड़क नहीं थी, है ना? तो उन्हें कहते यहाँ सब लाइन लगा लो और मलबा उठाओ। मेरा तो सिलता सूट ही बिखे पट्टा सुपट्टा बंधन जी गए कि पता नहीं कहीं लंगर नहीं तो खुला नहीं तो पता नहीं कहीं। हम लोग सॉफ्ट सेवा सोच के जाते हैं ना, गुरु जी जानी जान उनको पता है कौन सी सेवा देंगे। तो उस दिन फिर हमें वो मलबा उठाने की सेवा मिली। मैंने भी ये सेवा कर रखी है। हाँ जी, तो ना फिर और वो ना आंटी मलबा इधर से ट्रैक्टर मिलो दूर। हाँ जी है, वो तसला तसले में पाइए किन्ना पाइए किन्नी बारी पाइए। तो फिर मेरे भी ध्यान में आया और कुछ और संगत थी, उन्होंने भी सजेस्ट किया ये भी थोड़ा फिल्मी सीन साथ ही हाथ बटाना। तो वी फॉर्म द ह्यूमन चेन और ऐसे हम मलबा पास करते गए और वो ट्रैक्टर में डालते गए। चलो एनीवे सेवा हुई, सारा दिन पिट तक टूट के गई। मैं तो मन में गुरु जी ने कहा मेरे का पतली कमर दर्द थोड़ा ख्याल करता होता। एनीवे तो शाम को थक थका के मेरी सिस्टर का फोन आया, हाँ फिर तो गई थी पहला दिन था सेवा का कैसा है, मैं तो पूछो बता। फिर हंसी जाए मेरे को, कहती कौन सी सेवा मिली। फिर मैंने उसको बताया तो और हंस पड़ी, कहती आपको पता है आपको क्या सेवा मिली थी। मैंने कहा हाँ मलबा उठाया होल की मतलब, कहती आपको पता है गुरु जी ने क्या कर रहे,
मैंने कहा मैं सोचने लग गई, कहती रोड़े चुकवाते तो मैं कहती हूँ लख लख शुक्राना गुरु जी का। देखो उन्होंने कैसे जो भी अड़चने आ रही थी वो सारी हटवा दी, वो मलबा उठवा के रोड़े उठवा के, है ना, शुक्राना गुरु जी का। और तो उसके बाद सब कुछ बड़ी स्मूथली हुआ, वो घर सैर हुआ, ये वो हुआ। और उसके एंड में मेरे दिल में सिर्फ एक ही ख्याल आ रहा था, आप लोग ने सुना होगा वो फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा। हाँ जी हाँ जी। मेरे मन में ख्याल आ रहा कि जिस दिन मैं पहली बार गई सी ते दरवाजा बंद सी, है ना, ते बंद दरवाजे विचो उन्होंने इन्नी ब्लेसिंग दे दी, ते मेरे लिए तो बंद दरवाजा बुलंद दरवाजा बन गया, यू नो। सो गुरु जी का लख लख शुक्राना। और कैसे उन्होंने इतनी, अब मैं सोच रही थी जे अंदर जाके मत्था टेका होता है तो पता नहीं गुरु जी उस दिन खोले क्या क्या ब्लेसिंग दे देते, वो तो देते ही रहते अभी भी। सो ये मेरा फिल्मी सत्संग है कि कैसे वो बंद दरवाजा मेरे लिए बन गया बुलंद दरवाजा।